भी है, लैंड रोवर भी है, जैगुआर भी उन्हीं का है। और उनकी तो अगर इंडिया को देखा जाए वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी है, क्या आपको लगता है? बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे, बहुत सपोर्टर है जी, और वो पब्लिक के लिए करता भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा। अगर बना लेंगे, हमने तो अभी तक आटा पैदा नहीं किया पाकिस्तान में, तो गाड़ी कैसा बनाएंगे? ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी पाकिस्तान ने अभी तक आटा पैदा नहीं किया तो हम गाड़ी कैसे बनाएंगे, आप क्या कहेंगे? यार बिल्कुल, पाकिस्तान को अभी तक आटा भी पूरा नहीं हुआ, आटा पूरा नहीं हुआ। हम कहाँ खड़े हैं यार? बस हम सोए हैं अभी तक। हम ये मुझे ज़्यादातर तो अमेरिकन कंट्री का लग रहा है, अमेरिका कंट्री का लग रहा है, लेकिन अमेरिकन नहीं है ये, आपके हमसाया मुल्क इंडियन है। इंडियन, इंडियन ब्रांड है, मेरे मानने में ये आ ही नहीं सकते इंडियन। ये रतन टाटा जो है उसने ये बाय कर लिया था, जो है वो ऑटोमोबाइल में भी पाकिस्तान में है, शायद 6 नंबर पे आ गया दुनिया की। इंडिया, हाँ शायद इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया मेरा ख्याल, लास्ट में थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हूँ। लेकिन यार बहुत डिफरेंट गाड़ी है और बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है, बड़ी कमाल की लगी है। और इसका बहुत ज़बरदस्त है यार, और इसका वो डैशबोर्ड और बाकी सीटिंग वगैरह बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसका फ्रंट लुक देखें, है ना, अग्रेसिव शेप है ऐसे, हाँ रोब वाली गाड़ी, सबसे अलग है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैसल। फैसल, फैसल साहब मुझे बताइएगा कि गाड़ियों का शौक़ है आपको? बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, बहुत ज़्यादा शौक है। किस तरह की गाड़ी अच्छी लगती है? 4x4। 4x4। अच्छा सर, बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप इस गाड़ी की लुक देखिएगा और इसकी लुक देख के बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी है, और ये बताइएगा ये किस कंपनी की गाड़ी है? ये लैंड रोवर की है, डिफेंडर। लैंड रोवर है, डिफेंडर गाड़ी है, ठीक है जी। लेकिन इसका इंटीरियर एक्सटीरियर देख के बताइएगा ये गाड़ी आपको कैसी लगी? लेदर इंटीरियर, वेरी कंफर्टेबल। अच्छा जी, ये गाड़ी आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे मुश्किल है ना, यहाँ पे मुश्किल है। और जहाँ अगर यहाँ तक आए भी तो ये पहुँचते ये डबल प्राइस की हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि कैमरे से पहले आप बात कर रहे थे, आपने बताया था कि ये गाड़ी आपने देखी भी हुई है, बाकायदा चलाई भी हुई है, चलाई भी हुई है। ये कहाँ पे चलाई हुई है? दुबई में। दुबई में। अच्छा ये बताइएगा ये कंपनी है कहाँ की? ये लंदन बेस्ड। लंदन बेस्ड है, लेकिन ये तो अभी रतन टाटा के पास भी है, इसकी ओनरशिप टाटा के पास है, टाटा के पास, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग लंदन में हुई थी, लंदन में हो रही है। लेकिन ये इंडिया में भी हो रही है? इंडिया में, इंडिया का नहीं मुझे पता, लेकिन इसका भी प्लांट लगा होगा। लेकिन इसके जो ओनर है वो रतन टाटा है। रतन टाटा, क्या कहेंगे जी रतन टाटा का, जो की इंडियन एक वहाँ पे टाइकोन है, क्या कहेंगे? क्योंकि उनके टाटा के नाम से भी उनका ब्रांड है, और भी काफी ज्यादा है, लैंड रोवर भी है, जैगुआर भी उन्हीं का, और उनकी काफी ज्यादा ट्रक वगैरह भी उनके चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या का शौक तो बहुत है वैसे। जबरदस्त जी, गाड़ियों का शौक तो है। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो आप ये गाड़ी देखिएगा, और ये गाड़ी देख के मुझे बताइएगा आपको लुक में कैसी लगी है। और जैसे कि इस गाड़ी की कुछ फीचर्स के बारे में मैं जरूर बता देता हूँ, मुझे पहले बताइएगा गाड़ी कैसी लगी है? सर ये तो गाड़ी वैसे भी मेरी फेवरेट कार है, लैंड रोवर जी। बिल्कुल जबरदस्त जी। गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर बताइएगा कैसा लगा? मैं ज़रा देख रहा हूँ, वैसे मैंने देखी है अदरवाइज बाकी वीडियोस में भी। और सर ये लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी में शुमार होती है, तो जी बिल्कुल ऐसे ही है लग्जरी। और इसका फ्रंट लुक बताइएगा देख के। सर गाड़ी तो बहुत आला वैसे है ना, अग्रेसिव शेप, बिल्कुल ऐसे लगता है ना देख के, दिल खुश हो जाता है कि यार बस गाड़ी कल की बजाय आज ही आ जाए हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही है ना, सब गाड़ियों से अलग, इसका अलग ही लुक है। जी जी बिल्कुल अलग। अच्छा जी, गाड़ी तो देख भी लिया और यकीनन आपको पसंद आ गई है, बात करते हैं कि ये किस ब्रांड की है, कहाँ की है? जी जी ठीक है, ये लैंड रोवर मैंने नेम देखा। जी जी बिल्कुल लैंड रोवर ही है, लेकिन अगर बात करें कि इसका ये कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, किस कंट्री की है? मेरा ख्याल है ये शायद इम्पोर्टेड गाड़ी है, पाकिस्तान इम्पोर्टेड गाड़ी है। बिल्कुल राइट जी जी। तो गैस कर रहे हैं, कोई भी कंट्री गैस कर ले जो आपको लगता है कि ये कंट्री बना सकती है। मे बी जापानीज होगी, जापानीज होगी। लेकिन सर ये जो गाड़ी है ये इंडियन है। अच्छा इंडियन मेड है ये? बिल्कुल मेड इन इंडियन है, और ये इसका ओनर भी इंडियन है। अच्छा सर, रतन टाटा। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने ये पिछले दिनों एक न्यूज़ भी सुनी थी, इंडिया जो है वो ऑटोमोबाइल में भी पाकिस्तान में ही है, शायद 6 नंबर पर आ गया दुनिया की। इंडिया, हाँ सर, इंडिया तीसरे नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया मेरा ख्याल, लास्ट में थोड़ा सा अपडेटेड नहीं हूँ। वाह बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये बताइएगा अगर आपके पास ये गाड़ी हो, चलाने का मौका मिले, चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे जी। गाड़ी भी पसंद आ रही है? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा जी, गाड़ी की लुक देखिए, ऐसे लग रहा है ना कि
मज़ेदार गाड़ी है, अग्रेसिव शेप है, बिल्कुल वीआईपी लग रही है, वीआईपी गाड़ी लग रही है। ये 2030 मॉडल है, डिफेंडर गाड़ी है। ये बताइएगा ये किस कंट्री की है? 2030 तो अभी शुरू नहीं, 2023। अच्छा तो क्या बताओ अभी आपका किस कंट्री की हो सकती है, कोई गैस करें कौन बना सकता है? अमेरिका बना सकते हैं। जर्मनी लग रही है? जर्मनी। और आपको? अमेरिका। अमेरिका। मैं आपको बताने वाला हूँ ये गाड़ी जो है आपके हमसाया मुल्क इंडिया की है। अच्छा इंडिया की। अच्छा क्या? यार बहुत डिफरेंट गाड़ी है और बहुत ही प्यारी है। बहुत प्यारी गाड़ी है, बहुत प्यारी गाड़ी है, बड़ी कमाल की लगी। और इसका इंटीरियर देखें, बहुत ज़बरदस्त है यार। और इसका वो डैशबोर्ड और बाकी सीटिंग वगैरह बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसका फ्रंट लुक देखें, है ना, अग्रेसिव शेप है ऐसे। हाँ, रोब वाली गाड़ी सबसे अलग है यार, सबसे अलग गाड़ी है। और इंजन भी काफी हैवी गाड़ी का इंजन है, जबरदस्त है। अच्छा सर, गाड़ी तो देख ली है, लग्जरी गाड़ी में ये गाड़ी शुमार होती है, लैंड रोवर गाड़ी है, गाड़ी आपको पसंद आ गई है, क्या आप कहेंगे इस हवाले से? अगर मौका मिले खरीदने का खरीदेंगे? सर अगर मौका मिले तो जरूर खरीदना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी चीज की जो है ना, वो अच्छी चीज आपके पास होनी चाहिए। ये रेंज रोवर की है, ये लैंड रोवर गाड़ी है, लैंड रोवर गाड़ी है। ये किस कंट्री की है? बेसिक कंट्री का तो मुझे नहीं है, लेकिन गाड़ियों का शौक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी जो है आपके हमसाया मुल्क इंडिया की है, वहाँ का जो रतन टाटा है उस वो इस ब्रांड का मालिक है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसा भी है, लेकिन उन्होंने जो ना गाड़ी तो बहुत प्यारी कमाल की बनाई है, प्यारी है और लुक वाइज भी। वाह, ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है यार, इसके रेम कितने अच्छे हैं। मेरे पास पैसे हो, सबसे पहले मैं ये गाड़ी खरीदना पसंद करूँगा। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई अभी। अभी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई। ये देखें कि ये लैंड रोवर की गाड़ी है, और इसका इंटीरियर एक्सटीरियर देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार गाड़ी, वाह। इसका लुक भी देखें, हाँ फ्रंट लुक बहुत अग्रेसिव शेप, अच्छी बहुत अच्छी गाड़ी है यार ये तो। और इसका इंजन कैसा है? जबरदस्त गाड़ी, जबरदस्त है यार, एवरीथिंग इज। अगर मौका मिले खरीदने का खरीदेंगे? जी खरीदूंगा। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, ये है किस कंट्री का ब्रांड है? ये मुझे ज़्यादातर तो अमेरिकन कंट्री का लग रहा है, अमेरिका कंट्री का लग रहा है, लेकिन अमेरिकन नहीं है ये, आपके हमसाया मुल्क इंडियन है। इंडियन, इंडियन ब्रांड है, मेरे मानने में ये आ ही नहीं सकते इंडियन। ये रतन टाटा जो है उसने ये बाय कर लिया था, ये रतन टाटा के अंडर में ये आ रहा है। और आप देखें कि लैंड रोवर एक गाड़ी है जो कि मैंने आपको दिखाई है, बड़ा हाई क्लास लग्जरी गाड़ी है। जी जी मैंने देखी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, बहुत वेरी लेस कंपेरेटिव टू इंडिया। तो क्या कहेंगे जी, अगर हमें अगर इंडिया की बात करें, इंडिया जिस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, आने वाले टाइम में पाकिस्तान को तो एक मुश्किल टाइम, एक टफ टाइम दे सकता है? देगा, देगा कि दे चुका है, दे चुका हुआ है। इंडिया बहुत आगे निकल चुका हुआ है टेक्नोलॉजी में और बिल्कुल हर चीज़ में। जिस तरह से उसने अपने आप को आईटी सेक्टर में इम्प्रूव किया है, उसने आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करते हुए टेक्नोलॉजी में उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, उसने गाड़ियों में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी है जो कि हम नहीं मुतारिफ करवा सकते। बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे जी, इंडिया ने 4.25 मिलियन की रिसेंटली सेल की है और जापान जैसे मुल्क को बीट किया है। महिंद्रा टाटा इस इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने जा रहा, मारुति सुजुकी जो के है वो भी उनका अपने लोकल ब्रांड है। ये तो अभी लैंड रोवर ये भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, लेकिन आप देखें कि वो वहाँ पर मैनुफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया से आउट ऑफ कंट्रीज भी जा रही हैं, बहुत उनका अच्छा प्रोग्रेस है। पाकिस्तान में नहीं आ रही? पाकिस्तान में तो टैक्स ही इतना, यहाँ तक पहुँचते तो बहुत मुश्किल बात, डबल ट्रिपल रेट पे आई थी गाड़ी। ठीक है, इंडिया के वाले से क्या कहेंगे, अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, कुछ सीखना चाहिए इंडिया से? हम लोगों को वाकई सीखना चाहिए, जो वहाँ का कल्चर है, नहीं कल्चर नहीं छोड़े, वहाँ का जो मतलब प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, पाकिस्तान को उनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। कब तक सीख जाएंगे या कब तक पाकिस्तान अपने? इसमें मैं कुछ कहता नहीं क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं भी विजिट में आया हूँ। ठीक है, वैसे आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तानी हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी है, कहाँ से हैं? लाहौर से ही हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई हूँ और रहता अभी फ़िलहाल लंदन में हूँ। लंदन में रहते हैं, ज़बरदस्त जी। फिर तो आपको वहाँ पे इंडियन की डिमांड ज़्यादा देखते होंगे बनिस्बत पाकिस्तानी के। बिल्कुल नहीं है, काफ़ी हैं पाकिस्तानी, लेकिन अपने अलहमदिल्ला अच्छी कम्यूनिटी भी है वहाँ पर। ठीक, तो अगर इंडिया को देखा जाए वहाँ पर तो नरेंद्र मोदी है, क्या आपको लगता है? बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर, बहुत सपोर्टिव है जी, और वो पब्लिक के लिए करता भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा। सर अगर पाकिस्तान में सुनने में आता है बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, क्या इंडिया में भी करप्शन होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता वहाँ पर। पाकिस्तान वैसे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत पीछे है वैसे,
यहाँ पे जैसे कह लें कि मोनोपोली चल रही है ये सुजुकी की और ये होंडा वगैरह की। मोनोपोली जब तक ख़त्म नहीं होगी ना यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा ब्रांड्स नहीं आ सकते। अभी चलें स्टार्टिंग है थोड़ा सा, ये एल्सवेन वगैरह आ गई हैं, ये नई गाड़ियाँ शंगान वगैरह, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी कुछ बेहतरी आ सकती है, कुछ बेहतरी आ सकती है। चले जी, चले सर प्राइस की बात की है रिसेंटली, सिर्फ हमें प्राइस गेस कीजिएगा कि इस गाड़ी की कीमत क्या होगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ तो होगी इसकी। पाकिस्तान में इस टाइम इस गाड़ी की कीमत 10 से 15 करोड़ है। 10 से 15 करोड़ है। मैंने ना इंडियन बताई जाए तो 90 लाख से लेके 2 करोड़ तक तो इंडियन में है मैक्सिमम प्राइस। हाँ जी, पाकिस्तान में फिर इंपोर्ट ड्यूटीज भी तो इस पे अप्लाई हो जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटीज और हैवी टैक्स लगता है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में तो 10 करोड़ से कम की बात नहीं है। मैंने आइडिया इसलिए गेस किया था क्योंकि रेंज रोवर की लास्ट टाइम जो मैंने प्राइस देखी थी वो शायद 5.5 से 6 करोड़ थी। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, अगर इंडिया इस तरह की गाड़ी बना रहा है क्या हमें पाकिस्तान में भी इस तरह की गाड़ी बनानी चाहिए? बिल्कुल बना। कब तक बना लेंगे? हमने तो अभी तक आटा पैदा नहीं किया पाकिस्तान में, तो गाड़ी कैसा बनाएंगे? ये भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी पाकिस्तान ने अभी तक आटा पैदा नहीं किया तो हम गाड़ी कैसे बनाएंगे? आप क्या कहेंगे? यार बिल्कुल, पाकिस्तान को अभी तक आटा भी पूरा नहीं हुआ, आटा पूरा नहीं हुआ। हम कहाँ खड़े हैं यार? बस हम सोए हैं अभी तक, हम अभी तक सोए हैं, अभी तक सोए हैं। मैं तो यही चाहूँगा क्योंकि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा जो है ना वो अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। और अभी तक कोई गाड़ी जो हम अपनी एक लोकल मैन्युफैक्चर करते हो, अपना ब्रांड हो, कोई है ऐसी गाड़ी जो पाकिस्तान का अपना ब्रांड हो? ये तो नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अभी तक हम बाहर के तमाम ब्रांड्स पे काम करते हैं या वो असेंबल होती हैं यहाँ पे, सुजुकी है, टोयोटा या और अदर, लेकिन पाकिस्तान का अपना कोई लोकल ब्रांड नहीं है। इंडिया में तो बहुत सारे अपने ब्रांड है जैसे टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है और काफ़ी ब्रांड है। आप पे हमारी देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई जो ले सकता है, गाड़ी बहुत कमाल की है, ज़बरदस्त है और लुक वाइज भी बहुत अच्छी है और अंदर से सीटिंग और ये हर चीज़ बहुत प्यारी है। आप जो हजरात ले सकते हैं उन्हें ज़रूर लेनी चाहिए, ज़रूर ट्राई करना चाहिए और अगर खुदावंद ने मौका दिया तो हम भी ज़रूर ऐसा कुछ प्लान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखने में लुक वाइज भी अच्छी है, अगर मेरे पास पैसे हों तो सबसे पहले मैं ये गाड़ी खरीदना पसंद करूँगा। ज़बरदस्त जी, गाड़ी तो आपने देख ली और आप देखें कि आपका मसाया मुल्क लग्जरी टाइप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना रहा है और बल्कि बहुत सारे ब्रांड है वहाँ पे, तो क्या कहेंगे अगर इंडिया इस तरह की लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, पाकिस्तान में भी इस तरह की होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान भी एक मुल्क है, ज़ाहिर बात है इधर भी होनी चाहिए।